जैन फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सेल्फ स्टडी। आज हम फिर से बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें आज हम बात करेंगे, कल हमने बात किया इक्वेटर लाइन कहां कहां से गुजरती है, उसके बाद आप बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां कहां से गुजरती है। तो इनका डिग्री तो आपको मालूम है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, तो ये ग्लोब होगा। अब जब भी प्रैक्टिस करें और कोशिश ये करें कि जब वर्ल्ड मैप देखें आप, तो कभी कभी एग्जाम में ये सवाल आ जाते हैं कि आप वेस्ट से लेके ईस्ट की ओर इनको कैसा क्रम है इसको दर्शाने के लिए, तो आप ऐसे ही याद करने की कोशिश करें। तो 0 डिग्री हो गए इक्वेटर लाइन, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आज हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने देशों से होके गुजरती है और कौन कौन से महाद्वीप से होके गुजरती है, और उसके बाद इंडिया में कितने राज्यों से होके गुजरती है। तो इंडिया से 8 राज्यों से होके गुजरती है, आप सबको मालूम होगा, आप ध्यान करते रहिए। तब तक हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कितने देशों से गुजरती है। तो नंबर ऑफ कंट्रीज कितने गुजरती है, 17 देशों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है और 23.5 डिग्री साउथ है। जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, तो पहले नंबरिंग कर, जब भी याद करें तो हमेशा नंबरिंग कर लें, इससे आपको आसानी होगी। चौदह, 15, 16, 17, ये अब ये हमने कोशिश यही की है कि वेस्ट टू ईस्ट मतलब कौन कौन सी कंट्री है, कहीं गलती हो तो आगे पीछे चलेगा, लेकिन कोशिश हमने की है कि सही है। तो पहली जो कंट्री है मेक्सिको, सबको पता है, यूएसए नॉर्थ अमेरिका, मेक्सिको के बाद बहमास, जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करेंगे। फिर आता है आपका वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा, फिर आता है आपका मार्टिनिया, फिर आपका आता है माली, माली के बाद फिर अल्जीरिया, अगली कंट्री आपकी नाइजर, याद रखिएगा, अब जैसे जैसे लिखता हूँ आप भी लिखते जाइए, नाइजर, फिर नाइजर के बाद लीबिया, लीबिया के बाद अपना प्यारा इजिप्ट जिसको मिस्र कहते हैं, इजिप्ट के बाद फिर आपका आपका आता है सऊदी अरब, फिर आपका आता है यूएई। 11 कंट्री हो गई। एक बार फिर से, मेक्सिको, बहमास, वेस्टर्न सहारा, मार्टिनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई। 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो यूएई हो गया। उसके बाद आपका आ जाएगा ओमान, ओमान के जस्ट अगर दाएं साइड में आप देखें मैप में तो इंडिया, इंडिया के बाद आएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद फिर आएगा म्यांमार। यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ताइवान पहले, चाइना आएगा पहले कि ताइवान, तो पहले चाइना आएगा फिर ताइवान। तो ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होने वाली इस 17 कंट्री है। एक बार फिर से मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करूंगा, आप देखें, मेक्सिको, बहमास, वेस्टर्न सहारा, मार्टिनिया, माली, फिर उसके बाद अल्जीरिया हो गया, नाइजर हो गया, लीबिया हो गया, फिर उसके बाद इजिप्ट हो गया, फिर सऊदी अरब, फिर यूएई, ओमान, इंडिया, देन बांग्लादेश, देन उसके बाद फिर आपका आता है बांग्लादेश के बाद देख लीजिए चाइना, ताइवान, ये आपके 17 कंट्री हो गए। उसके बाद हम यहीं पे अगर बात कर लेते हैं कि मध्य अपने इंडिया में कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 8 आपको याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे बना देता हूँ हल्का चीज, मैप बना देता हूँ इंडिया का, ये मैप है, तो यहाँ पे 8 राज्य से होकर गुजरती है, जिनमें आप अगर मैप देखोगे उसका इंडिया का, तो इसमें देखिए सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, एमपी, ये भी ऑर्डर से है वेस्ट टू ईस्ट, फिर छत्तीसगढ़, फिजी, फिर झारखंड, झारखंड के बाद जो गुजरती है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी गुजरती है। तो इसके बाद ये 1 से 2 बार ये वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की कहां कहां से गुजरती है।
अब बात करेंगे हम कि ये तो हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, 23.5 डिग्री साउथ में। इसमें कितनी कंट्रीज है, इसमें टोटल और टोटल 10 कंट्री है, याद करना बहुत आसान है। वेस्ट, फिर एक बार हम वेस्ट से शुरू करेंगे, ईस्ट में जाके खत्म करेंगे। तो वेस्ट से अगर हम शुरू करते हैं तो फिर से नंबरिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हम नंबरिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमारा टाइम बचे। तो पहली जो कंट्री है चिली, चिली, उसके बाद आपकी कंट्री है अर्जेंटीना, जो कि आपको सबको पता है इधर है साउथ अमेरिका में। फिर ब्राजील अगली कंट्री आती है, ब्राजील के बाद हम आगे मूव करेंगे तो आएगा अफ्रीका कंटिनेंट। तो अफ्रीका कंटिनेंट में सबसे पहले आएगा नामीबिया, नामीबिया के बाद आएगा आपका बोत्सवाना, बोत्सवाना के आगे जाएंगे तो साउथ अफ्रीका, जो कभी नहीं जीती वर्ल्ड कप, हमेशा चौकर सो जाती। साउथ अफ्रीका के बाद आएंगे मेडागास्कर, मेडागास्कर नहीं, मेडागास्कर पहले एक मोजाम्बिक द्वीप पड़ता है, मेडागास्कर तो आप तो कट के पड़ता है, सॉरी मोजाम्बिक पड़ता है, फिर मेडागास्कर। फिर उसके बाद आपका लास्ट में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है एकदम से किनारे में, एक आपका यहाँ पे मिस हो गया है। देखिए चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, नामीबिया, तो यहाँ एक है पराग्वे। देखिए हो जाता है, आप अगर मतलब करते हैं तो आगे पीछे हो सकता है, तो उसको आपको सिस्टम से रखना है, मतलब एकदम से जमा के रखना है। तो यहाँ पे नंबरिंग फिर से चेंज हो जाएगी, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। एक बार फिर हमारे साथ बोलेंगे चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाएंगे नामीबिया, बोत्सवाना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर इसके बाद मोजाम्बिक, फिर मेडागास्कर, और इधर आ जाएंगे आपके ऑस्ट्रेलिया। तो इतने सारे कंटिनेंट से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गिरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये इक्वेटर, तो आशा करते हैं कि ये आप याद करने की कोशिश करें, क्योंकि जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो एकदम से बेसिक है, तो अगर ये कंट्री आपको याद रहेंगी तो आपको पढ़ने में आसानी पड़ेगी। तो अभी के लिए इतना ही, एक बार फिर से वीडियो को देखेगा उसके बाद आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।